Hey guys, it's Anupma and today I'm going to review Steve Jobs. So let's start the video. इस बुक के टोटल प्राइस है 440 रुपीस। आप अलग अलग शॉपिंग ऐप पे इसके अलग अलग प्राइस मिल जाएगी, तो वहां से आप इसे परचेस कर लीजिएगा। एंड सेकेंड, इसके टोटल काउंट पेज है 500 प्लस, आई थिंक 592 पेजेस है टोटल। चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, व्हाट इट्स अबाउट। सो जैसा कि ये स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी है, तो यहाँ पे आप उनके लाइफ टाइम की जर्नी के बारे में सारी चीजें डिटेल में जानेंगे, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सारी चीजें। स्टार्टिंग में आप इनके चाइल्डहुड के बारे में जानेंगे। इनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं वो इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो दूसरे से शादी नहीं किए हुए होते हैं। तो एक पॉल जॉब नाम के इन स्टीव जॉब को अडॉप्ट करते हैं और उन्होंने ही इनका नाम स्टीव जॉब रखा। और स्टीव जॉब को उनके फादर के थ्रू ही इलेक्ट्रॉनिक को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से अलग करते हैं, वहां से उनका इंटरेस्ट बिल्डअप होने लगा। काफी यंग एज तक उन्हें अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में भी पता नहीं चला। जब अपने स्कूल टाइम में जाते थे तो वहां पे उनका इंटरेस्ट नहीं पड़ता था पढ़ाई में, उन्हें बोर्ड फील होता था, बट फिर भी जो टीचर्स थे उनके वो काफी ज्यादा फोर्स करते थे उन्हें पढ़ने के लिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज थे। इनफैक्ट उन्होंने उनके पेरेंट्स को भी बुलाया और बोला कि आप इनकी क्लास आगे करा दीजिए, वहां पर एडमिशन कराइए, इनकी आगे स्टडी कराइए, बट उनके जो पेरेंट्स होते वो इस चीज को मानते नहीं है। फिर जब वो कॉलेज लाइफ में जाते हैं स्टीव जॉब, तो वहां पे वो फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें ये बोरिंग काम नहीं करना है, उन्हें अपने इंटरेस्ट पे काम करना है। फिर वो कॉलेज ड्रॉप कर देते हैं और फिर आगे आप डिटेल में जानेंगे किस तरीके से वो और लोगों से भी मिलते हैं और इनके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज उन्हें मिलती है और फिर वो किस तरीके से अपने पैशन की तरफ काम करते हैं। और फिर वो एक एप्पल जो कि काफी बड़ी कंपनी है वहां पे ज्वाइन करते हैं। फिर एक कंप्यूटर को कितने अलग अलग तरीके से उन्होंने मार्केट में लाया, काफी बार फेल भी हुए। एक टाइम ऐसा भी आया जब उन्होंने अपना कंपनी को छोड़ भी दिया और फिर एक अलग कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था नेक्स्ट। और जब वहां पे उनको प्रॉफिट मिली तो एप्पल ने उनको परचेस कर लिया, नेक्स्ट कंपनी को परचेस कर लिया और वो फिर से एप्पल की कंपनी में आए। तो सारी चीजें मीन्स बहुत ही डिटेल वे में आप इन सारी चीजों को जानेंगे, उनका बिहेवियर, उनका इंटरेस्ट, उनका पैशन, सारी चीजें। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इन्होंने अब फिर उसके बाद भी एप्पल कंपनी में आने के बाद इन्होंने जो कंप्यूटर है उसको डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट कराया और छोटा बनाया जिससे कि हर लोग परचेस कर सकते हैं। क्योंकि पहले के टाइम में जो कंप्यूटर वगैरह आते थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता था, तो हर लोग उसे परचेस नहीं कर पाते थे। तो अब जब ये उन्होंने एक कंप्यूटर को छोटा बनाया, मीन्स फोन जो आप यूज कर रहे हैं, आईपैड वगैरह, ये सब उन्हीं की देन है। बात करें अगर रीडिंग एक्सपीरियंस के बारे में, तो काफी ही इजी वर्ड के साथ ऑथर ने डिस्क्राइब किया है इसे, किसी भी टाइप के जो रीडर है वो इजीली रीड कर सकते हैं। वेल, अगर आपको इस बुक के लेसन्स को रीड करना है तो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू इसे रीड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप गूगल से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट का नाम है thebillionbooks.com। इस बुक को मैं 4.7 स्टार रेट करूंगी और मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगी जो कंप्यूटर के एरिया में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड चीज में, क्योंकि उनको इस एरिया में काफी सारे नॉलेज यहाँ से गेन होगा। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर आप आगे बनना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट आप लाना चाहते हैं, तो उस चीज में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। आप जानेंगे किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाएं ताकि लोग उसे पसंद करें, उसे और बेस्ट किस तरीके से बना सकते हैं ताकि आपको प्रॉफिट हो। एंड थर्ड, अगर आप स्टीव जॉब्स के फैन हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी जर्नी पूरी की, तो ये सारी चीजें आप जान सकते हैं इस बुक के थ्रू। यहाँ पे आपको काफी सारे लाइफ लेसन मिल रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर हाँ, देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप 15 सेकेंड में बुक के लेसन्स को और बुक रिकमेंडेशन चाहते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं हमेशा बुक्स के लेसन्स डालते रहती हूँ। नई नई बुक्स की अपडेट मिलती है आपको वहाँ पे, बुक मीम्स भी मिलेंगे, तो प्लीज़ वहाँ पे भी हमें फॉलो कीजिए। एंड लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।